ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे पुराणों में वर्णित एक कथा, जब हनुमान जी के कोप से बचने के लिए शनि देव को बनना पड़ा था स्त्री। तो चलिए बतलाते हैं आपको इस कथा के बारे में। दोस्तों, गुजरात के भावनगर के हनुमान जी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थित है जो कि कष्ट भंजन हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी के पैरों में स्त्री रूप में शनि देव बैठे हैं। सभी जानते हैं कि हनुमान जी स्त्रियों के प्रति विशेष आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। ऐसे में उनके चरणों में किसी स्त्री का होना आश्चर्य की बात है, लेकिन इसका संबंध एक पौराणिक कथा से है जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों शनि देव को स्त्री का रूप धारण कर हनुमान जी के चरणों में आना पड़ा। तो चलिए पहले आपको बतलाते हैं इस कथा के बारे में और फिर आपको बताएंगे कष्ट भंजन हनुमान मंदिर के बारे में। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी और शनि देव से जुड़े अनेकों प्रसंग हैं, जो बताते हैं कि कैसे समय समय पर हनुमान जी ने शनि देव को ठीक किया है। इनमें से ही एक प्रसंग यह है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक समय शनि देव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। शनि के कोप से आम जनता भयंकर कष्टों का सामना कर रही थी। ऐसे में लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे शनि देव के कोप को शांत करें। बजरंगबली अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उस समय श्रद्धालुओं की प्रार्थना सुनकर वे शनि पर क्रोधित हो गए। जब शनि देव को यह बात मालूम हुई कि हनुमान जी उन पर क्रोधित हैं और युद्ध करने के लिए उनकी ओर आ रहे हैं, तो वे बहुत भयभीत हो गए। भयभीत शनि देव ने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री का रूप धारण कर लिया। शनि देव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। हनुमान जी शनि देव के सामने पहुंच गए। शनि स्त्री रूप में थे। तब शनि ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और भक्तों पर से शनि का प्रकोप हटा लिया। तभी से हनुमान जी के भक्तों पर शनि देव की तिरछी नजर का प्रकोप नहीं होता है। शनि दोषों से मुक्ति हेतु कष्ट भंजन हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन यहाँ आते हैं और इस मंदिर में कष्ट भंजन हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। और अब आपको बतला रहे हैं सारंगपुर में स्थित कष्ट भंजन हनुमान मंदिर के बारे में। दोस्तों, सारंगपुर में कष्ट भंजन हनुमान जी के मंदिर का भवन काफी विशाल है, यह किसी किले के समान दिखाई देता है। मंदिर की सुंदरता और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। कष्ट भंजन हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान है और उन्हें महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा के आस पास बानर सेना दिखाई देती है। लोगों के अनुसार यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। यदि कुंडली में शनि दोष हो तो वह भी कष्ट भंजन हनुमान जी के दर्शन से दूर हो जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही आकर्षक है। मंदिर की स्वयं की वेबसाइट पर हनुमान जी के हर दिन की लाइव दर्शन की भी सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, कष्ट भंजन हनुमान मंदिर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपको हमारे इस वीडियो में भी नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर कष्ट भंजन हनुमान जी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।